हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज चलो हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल चैप्टर का नेम क्या है? पॉलीनोमियल। इसे नियम बोलते हैं क्या? बहुपद। इसे नियम बोलते हैं बहुपद। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे यार। इंट्रोडक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए पूरा देखा कीजिए। समझ में आई ना बात? पूरा देखना बेटा। चलो, पॉलीनोमियल में सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे क्या, कॉन्स्टेंट। पहला क्या है? कॉन्स्टेंट। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेरिएबल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। तो देखेंगे कि कॉन्स्टेंट होता क्या है। कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन छोटी सी हम बताएंगे आप लोगों को इन आप प्रॉब्लम सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आई बस आने में बेटा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलो अब देखेंगे वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल दो। वेरिएबल बेटा किससे बना है? वेरिएबल किससे बना है? ये बना है बैरी से। बैरी से, बैरी से क्या बना है? बैरी से बना क्या? वेरिएबल। आई बात समझ में? और बैरी का मतलब होता है क्या? चेंज होना, जो चेंज हो। तो इसके अब जरा डेफिनेशन देखेंगे इन आप प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू द चेंज। इट्स वैल्यू चेंज। आई वास में डज नहीं लगाएंगे, इट्स वैल्यू डज चेंज। और इसे डिनोट करते हैं बेटा किससे? डिनोट डिनोट करते हैं, जैसे कि एस हो गया, बाई हो गया, या जेड हो गया, यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सभी से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? जो कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, किसी भी प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल से वेरिएबल दो। वेरिएबल बना कैसे? बैरी से बना। और बैरी का मतलब ही होता है चेंज होना। ठीक, किसी भी प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसे डिनोट करते हैं बेटा एस वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनसे से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक, चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम लोग। जैसे कि लिखा है डेट्स इन आ मंथ, यानी किसी मंथ की डेट्स देखेंगे चलो हम लोग। ठीक, किसी मंथ की डेट देखेंगे। चलो जैसे कि अभी डेट देखेंगे तो कितना हो रहेगा? 1/5। ठीक, पहली तारीख 5, 5th मंथ। ठीक, ओके चल रहा 22। फिर 2/5/22, 3/5/22, 4/5/22 एंड सो ऑन। आगे में, आगे में अब दो हो बन होगा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो दो चेंज हो रही है ना। अब 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आज टू डेट है, फिर 3 डेट होगी, फिर 4 डेट होगी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि डेट चेंज हो रही हैं। डेट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। डेट्स क्या हो रही हैं बेटा? चेंज हो रही हैं। और जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंज हो रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। जो चेंज हो रहा है उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। जो चेंज हो रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। अभी मैंने बताया तो वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना। यानी कि वेरिएबल का भी मतलब क्या होगा? चेंज होना लिखा हुआ है मैंने अभी दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5/5/5/5, 5 मंथ चल रहा तो बेटा 5/5/5/5 रहेगा ना। ठीक, और ईयर कौन सी है? 2022/2022, तो बेटा ईयर भी चेंज नहीं होगी। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? दोनों ही क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट। दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो एक एग्जाम्पल और देखेंगे। मंथ इन आ ईयर, किसी साल में उसके मंथ देखेंगे। तो देखो बेटा, जैसे कि जनवरी हो गया और ईयर कौन सी है? 22। ठीक, पहला यानी कि जनवरी, और ईयर कौन सी है? 22। फिर फरवरी 22, मार्च 22, यानी कि 4/22 और 5/22 एंड सो ऑन। ठीक, बात समझ में आई? यानी देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, कितने मंथ होते? 12 मंथ होते हो बेटा, यानी कि सभी इस प्रकार से चेंज होते रहेंगे। आई बात समझ में? और जो चेंज हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल।
क्या बोलेंगे, वेरिएबल से बोलेंगे। और जो 22 22 22 यानी कि जो ईयर है वो चेंज नहीं हो रहे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट बोलेंगे। इतनी बार क्लियर हुई, इतनी बार क्लियर हुई। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो पॉज करो वीडियो और नोट करो, ठीक। फिर आगे मैं और समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो देखेंगे बेटा हम लोग क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा हम डिनोट कैसे करेंगे, ए ई से करेंगे, ठीक। चलो जो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा ना, जो मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, वो कोई नहीं बताएगा, विश्वास मानो बेटा कोई नहीं बताएगा। समझ में, चलो देखते हैं क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा। इंटीजर्स हमारा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करा दो, किससे मल्टीप्लाई करा दो, वेरिएबल से। वेरिएबल से किससे, वेरिएबल से। और वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रहती है। वेरिएबल की पावर बेटा क्या रहेगी, रेशनल नंबर रहेगी, ठीक। बन गया क्या हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, आई बात समझ में। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही होता है बेटा क्या, फॉर्मूला छोटा सा, छोटा सा फॉर्मूला समझ लो या फिर इसे डेफिनेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस अगर इतना आपको याद है तो कोई सा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, आई बात समझ में। चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसके, जैसे कि मैंने बोला कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होते क्या है, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और एक जीरो बचा हमारा, ठीक। तो जीरो को कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम चलो प्लस वाला नंबर ले लेते हैं फिलहाल में। हमने ले लिया जैसे कि सिक्स ले लिया हमने, ठीक। अब दो सिक्स बेटा हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा अब मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। वेरिएबल, अब वेरिएबल बेटा मैंने बताया था कि कौन कौन से वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, एस वाई जेड या फिर कोई भी अल्फाबेट, ठीक। तो वेरिएबल में देखो हमने जैसे अभी लेट कर लिया क्या, एस लेट कर लिया, एस ले लिया हमने। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर होते क्या है, जैसे कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रेशनल नंबर जैसे प्रश्न के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने ले लिया 1/2, क्या ले लिया 1/2, 1/2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। और क्या बन गया जी हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे कि इस एग्जाम से सॉल्व कराएंगे क्या हो रहेगा, सिर्फ एस की पावर 1/2 हो जाएगा, आई बात समझ में। हाँ है ना, चलो और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ले लिया 5, 5 हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। हमें क्या लेना है, वेरिएबल लेना है, हमने ले लिया बाई ले लिया, ठीक। एल्जेब्रिक और रेशनल नंबर इसकी पावर होगी, रेशनल नंबर बेटा इसकी क्या क्या होगी, पावर होगी। तो रेशनल नंबर जैसे 2 ले लिया, ठीक। अब जे मत बोलना सर रेशनल नंबर 2 नहीं है, अरे पढ़ाया तो था बेटा, 2 के नीचे 1 लगा दो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक। फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहेगा, तो क्या राइट करेंगे बेटे से, 5/2। ये क्या है बेटा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि मैंने बोला 4 मल्टीप्लाई, ठीक, एस की पावर -1/2, कितनी -1/2, तो क्या हो जाएगा, 4s की पावर -1/2। ये क्या हो गया बेटा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, आई बात समझ में। हाँ या ना, अगर आ गई है तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो फिर मैं। तो चलो पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो चलो देखो क्या होता है, जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर्स जैसे मैंने ले लिया 6 ले लिया, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई करा दो, किसका किसका मल्टीप्लाई कराना था, वेरिएबल का, हमने करा दिया वेरिएबल का मल्टीप्लाई। और इसकी पावर क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, तो हमने ले लिया 1/2, ठीक। जी क्या बन गया हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक और ले लो, हमने कहा 5s की पावर 2, ठीक। अब जब दोनों को जब ऐड कराएंगे तो कितना हो रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो रहेगा। फिलहाल में तो वो अभी ऐड नहीं होगा, पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो रहेगा, आई बात समझ में। चलो अब हमने बोला जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस कराया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यानी कि सिक्स एस की पावर 1/2 में माइनस करा दिया 5s² को, तो क्या निकल के आएगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल के आएगा। फिर मैंने बोला कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करा दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो क्या हो रहेगा, सिक्स एस की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कराना है 5s की पावर 2 में, तो क्या हो जाएगा, 2 6 5 30 हो गया। और दो बेस सेम है दोनों के, दोनों की क्या है बेटा, बेस सेम है। अभी मैंने पढ़ाया था जस्ट इसके पहले वाली एसआई में बेटा, याद है ना, अरे याद है कि नहीं है, 1.5 में मैं पढ़ा के आया हूँ, रिवाइज करो जाके, वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखो जल्दी, ठीक। दो एस और एस बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर के क्या हो रहा था बेटा, पावर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, पावर का क्या हो रहा था बेटा, एडिशन हो जाता है। तो कितनी हो रहा है कि 5/2,
कितनी हो रहेगी बेटा 5/2। और जेवी क्या है हमारी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई बात समझ में? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो अब देखेंगे हम लोग कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिवाइड करा दें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो क्या हो जाएगा। चलो देखेंगे क्या हो जाएगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिवाइड करा दिए हमने किसका, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो क्या हो जाएगा। तो देखो पहली चीज से सपन 5 ऐड करेंगे, इसे डिवाइड करा रहे हैं, ऊपर क्या हो जाएगा एस की पावर 1/2, नीचे क्या हो जाएगा एस की पावर 2 हो जाएगी। तो देखो बेटा दोनों की पावर, दोनों के बेस कैसे हैं, एस एस यानी कि दोनों के बेस बेटा कैसे हैं, सेम है। जब बेटा बेस सेम होते हो क्या हो जाता है, पावर के साथ में क्या हो जाता है बेटा, सबट्रैक्शन हो जाता है। पावर के क्या होता है बेटा, सबट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि सिस की पावर एस अपॉन एस और पावर के क्या हो जाएगा बेटा, सबट्रैक्शन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे एस की पावर 3/2। जे भी क्या है बेटा हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जे भी क्या है बेटा हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जल्दी बेटा नोट करें, जल्दी नोट करो बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चार ऑपरेशन मुझे और बताने हैं अभी इसके। अब देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अभी हमने क्या सीखा था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। आई बात समझ में? हम लोग सीखेंगे क्या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी कांस्टेंट नंबर के साथ क्या होता है, किसके साथ बेटा कांस्टेंट। और कॉन्स्टेंट को बेटा डिनोट किससे करेंगे, सी से करेंगे। कैसे करेंगे, सी से करेंगे। जब भी किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट नंबर ऐड होता है, कॉन्स्टेंट बेटा ऐड होता है, तो क्या निकलता है हमारा आंसर, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकलता है। अब कैसे निकलेगा, चलो देखेंगे। जैसे कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, 5s² हो गया, कॉन्स्टेंट नंबर यानी कॉन्स्टेंट यानी कि जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, तो चेंज क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो जी तो रहेगा ना, अरे जी तो रहेगा, हाँ या ना, तो जे हो गया ठीक। 5s² + 5 अगर माइनस करा दें कॉन्स्टेंट को, क्या निकलेगा हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल के आएगा। जैसे दो 5s² - 5 हो गए ठीक, कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करा दें कितना हो जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल के आएगा, क्या हो जाएगा। तो चलो देखो 5s² - मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा, 25s² हो जाएगा ठीक। कॉन्स्टेंट करके कराना है बेटा, डिवाइड कराना है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल के आएगा। तो 5s² में डिवाइड कराना है किसका, 5 को, तो कैसे ऐड करेंगे, 5s² / 5 और 5 × 5 कितना निकल के आ जाएगा, s² अकेले निकल के आ जाएगा, s² अकेले निकल के आ जाएगा। अब जी मत बोलना सर s² हमारा वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल है बेटा, क्यों है दो जरा ध्यान से, s² है ना, अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करा दें तो ऐसे ही तो ऐसे ही तो ऐड करेंगे, तो यानी क्या छपा हुआ है यहाँ पे, बन छुपा हुआ है। अच्छा अब बन छुपा हुआ है तो बन हमारा यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, और वो भी कैसा है, कॉन्स्टेंट इंटीजर्स है। एस क्या हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, और 2 जो पावर है वो हमारी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई ठीक। आगे वसन में तो ये भी हमारा क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। आगे वसन में तो चलो पॉज करो वीडियो, नोट करो, फिर अब स्टार्ट होगा हमारे यहाँ से मेन टॉपिक, जो है हमारा क्या पॉलीनोमियल, जो हमारा क्या है पॉलीनोमियल, तो उसे पढ़ेंगे, जल्दी पॉज करो नोट करो। तो अभी मैंने बताया था कि एलजेब्रिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंटीजर्स हमारा कैसा होता है, कॉन्स्टेंट ही तो होता है ना, तो हम लोग कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट। आप लोग चाहो इंटीजर्स भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कॉन्स्टेंट ही लिखेंगे क्योंकि मुझे समझाना है। वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा, रेशनल नंबर, क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। और हो जाता है हमारे इतने में आईने वासन में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल कितना होता है बेटा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर बेटा क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। अब समझेंगे पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्या होता है हमारा। तो देखो बेटा पॉलीनोमियल बहुत सिंपल है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करा दो किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल का ठीक। कॉन्स्टेंट हमारे क्या होते हैं बेटा, जैसे कि इंटीजर्स, इंटीजर यानी कोई नंबर ठीक, और वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट, जैसे एस वाई या फिर जेड एंड सो ऑन ठीक। चलो अब बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है, बस पावर में थोड़ा चेंजमेंट है। देखो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट हो गया, वेरिएबल यहाँ पे भी था, वेरिएबल यहाँ पे भी हो गया, बस पावर में थोड़ा चेंजमेंट है। पावर में क्या चेंजमेंट है, चलो वो समझेंगे। यहाँ पे पावर किसकी आ रही है बेटा, रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की, यानी कि प्लस वाला भी नंबर आएगा, माइनस वाला भी आएगा, फ्रैक्शन वाला भी आएगा, किसी प्रकार का नंबर हो, सब प्रकार के अलावा आ जाते हैं रेशनल नंबर में। पर यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे सिर्फ किसकी पावर आएगी,
होल नंबर की, किसके बेटा, होल नंबर की। और हमें होल नंबर पता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगली क्वेश्चन में यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे और जीरो आएगा, यानी कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे और जीरो आएगा। और इसमें क्या होता था बेटा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर और क्या आएंगे बेटा, फ्रेशमैन वाले नंबर्स भी आएंगे। इसमें बेटा ऑप्शंस थोड़े ज्यादा थे, थोड़े पॉलीनोमियल्स के कुछ एग्जांपल समझेंगे। पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया जो कांस्टेंट है तो सेट ले लिया, हमने वेरिएबल है तो हमने चलो ए ले लिया, ठीक। और होल नंबर यानी कि जीरो भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक। पावर होल नंबर है ना, ये ले लिया हमने। और देखो और देखेंगे जैसे हो गया 3s की पावर 1 हो गई, और देखो जरा 4s की पावर हो गई 2, ठीक। और देखो जरा 9y की पावर हो गई 8। तो जैसे बेटा क्या है हमारे पॉलीनोमियल्स हैं, जैसे बेटा हमारे क्या है पॉलीनोमियल्स हैं। आई वास में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो इतना क्लियर हुआ। चलो ये क्या है बेटा, पावर है, ये क्या है बेटा, पावर है। और पावर को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी बेटा हम लोग बोल सकते हैं। अगले वर्षन में तो कंफ्यूजन होना कभी भी आ रहा है तो पावर और एक्सपोनेंट लगभग सेम ही होते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगले वर्षन में चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को जो आपके हेल्पफुल होंगे, जैसे कि ऑल ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर, यानी कि पूरे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं होते, चलो देखेंगे। अब जैसे कि उसने बोला रेशनल नंबर क्या नहीं होंगे हमारे, होल नंबर नहीं होंगे। अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है 0, या लिखा हुआ है 8, यानी कि सिंपल नंबर दिए रहे, यानी जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो तो बेटा हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे, तब तो ये बात क्लियर होगी, ठीक। पर अगर उसने बोल दिया 1/2 -9/8 या 0/1, तब ये बात क्लियर नहीं होगी, यानी कि तब ये होल नंबर्स में नहीं जाएगा, ठीक। इसलिए उसने लिखा है कि ऑल रेशनल नंबर्स, यानी कि सभी रेशनल नंबर क्या नहीं होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर हो गया तो चलो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, बट ऑल होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी जितने भी होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब क्या रहते हैं बेटा हमारे, रेशनल नंबर हो जाते हैं। अब दो होल नंबर होते कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सभी क्या रहते बेटा हमारे, सभी क्या रहते हैं हमारे, रेशनल नंबर हो जाते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि सभी के नीचे वन लगा दो सब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे, और ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, अरे बात क्लियर हुई, चलो आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट समझेंगे। चलो अब उसने बोला है ऑल पॉलीनोमियल्स आर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जितने भी पॉलीनोमियल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। बट लेकिन ऑल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलीनोमियल, ऑल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलीनोमियल। तो बात समझो, बात समझो, देखो जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे वो हमारे क्या हो रहेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएंगे, जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे वो हमारे क्या हो रहेंगे बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो रहेंगे, पर जितने भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो हमारे पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखो जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे वो हमारे क्या हो रहेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो रहेंगे, पर सभी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या नहीं होंगे, पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसने क्या बोला, पॉलीनोमियल्स हमारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो रहेंगे, पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या नहीं होंगे, पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे। तो समझो बात, कांस्टेंट यहाँ पे भी है, कांस्टेंट यहाँ पे भी है, वेरिएबल यहाँ पे भी है, वेरिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पर क्या है होल नंबर, और होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये सब इसमें तो चले जाते हैं बेटा, पर ये सब इसमें नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कैसे होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, अगर समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलो बेटा पॉलीनोमियल्स के भी हम लोग ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, 4 ऑपरेशन हैं। अगर
अगर हम लोग पोलिनोमियल को पोलिनोमियल में ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा हमारा, पोलिनोमियल ही निकल के आएगा। दूसरा ऑपरेशन है पोलिनोमियल में अगर हम बेटा पोलिनोमियल को माइनस करेंगे तो पोलिनोमियल ही निकल के आएगा, ठीक। तीसरा ऑपरेशन दो हो बेटा, थर्ड ऑपरेशन है बेटा पोलिनोमियल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे पोलिनोमियल का तो बेटा पोलिनोमियल ही निकल के आने वाला है, ठीक। पोलिनोमियल में अगर डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल का तब भी बेटा क्या निकल के आएगा, पोलिनोमियल ही निकल के आएगा। बस कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पे कि दो जो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है ना उसकी डिग्री क्या बेटा, डिग्री डिग्री कैसी होनी चाहिए, अच्छे से मैं चलो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ऐसे, ठीक। डिग्री बेटा इसकी कैसी होनी चाहिए, डिग्री इसकी लार्ज होनी चाहिए यानी कि ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल। अब किससे लार्ज या फिर किसके इक्वल, नीचे वाले की। नीचे बेटा कैसी होनी चाहिए, स्मॉल डिग्री, स्मॉल डिग्री कैसी बेटा, स्मॉल डिग्री अगली बात में तभी डिवाइड हो पाएगा, ठीक। नीचे वाली की डिग्री, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ना बेटा उसकी डिग्री बेटा कैसी होनी चाहिए यानी कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए बेटा, स्मॉल किसके मुकाबले, ऊपर वाले के मुकाबले। और ऊपर वाले की डिग्री या फिर पावर कैसी होनी चाहिए बेटा, लार्ज यानी कि बड़ी, ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए दोनों की, तभी बेटा डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? तो हेडिंग लगा दो, टर्म हेडिंग क्या लगा दो बेटा, टर्म लगा दो, टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स टर्म्स बेटा हेडिंग लगाओ, टर्म समझेंगे क्या होता है, ठीक। चलो हमने जैसे यहाँ पर ऐड किया 5s स्क्वायर प्लस 6s क्यूब माइनस 2s की पावर 5, ठीक। और हमने आप लोगों से बोल दिया क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। ऐसे कैसे पॉलिनोमियल बेटा, पहचानो ना, कहता सर झूठ बोल रहे हो, पहचानो। तो देखो हमने क्या बोला था, हमने क्या बताया था बेटा पॉलिनोमियल के बारे में कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर। पावर बेटा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो फाइव क्या है हमारा कांस्टेंट है और एस क्या है हमारा वेरिएबल है, पावर क्या है बेटा हमारी होल नंबर में है। जे भी कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल, पावर हमारी होल नंबर में। जे भी कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल, पावर हमारी क्या है, होल नंबर में। इतनी बात क्लियर हो गई, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलो इतना क्लियर है अपना। अब देखो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, ये पहचानना है कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। तो देखो बेटा 5s स्क्वायर ये कैसा लिखा है बेटा, साथ में लिखा हुआ है पूरा, इसे अलग किसने कर दिया, प्लस ने अलग कर दिया। किसने अलग कर दिया बेटा, प्लस ने अलग कर दिया। किसने अलग किया बेटा, प्लस ने। फिर 6s क्यूब किसने अलग किया, फिर इसे माइनस ने अलग कर दिया। फिर लिखा है 2s की पावर 5, तो बेटा कितने पद, कितने यहाँ पे टर्म हो जाएंगे, 3। एक तो हो गया हमारा यहाँ पे 5s स्क्वायर, ठीक, पहला। दूसरा हमारा क्या हो गया 6s क्यूब। तीसरा हमारा क्या हो गया 2s की पावर 5, 2s की पावर 5। यहाँ सब मैं क्या लगा दो बेटा, कॉमन लगा दो, क्योंकि दो यहाँ पे प्लस और माइनस ने क्या कर दिया बेटा, ने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं आर थ्री टर्म्स इन आ पॉलिनोमियल। अगली क्वेश्चन में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी इन एनी टर्म, इन एनी टर्म। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, इन एनी टर्म, इन एनी टर्म लगा दो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, ठीक। इन एनी टर्म यानी कोई भी टर्म के अंदर। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिखा था, अभी हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिखा था 5s स्क्वायर प्लस के 6s क्यूब माइनस 2s की पावर 5, ये क्या था हमारा बेटा पॉलिनोमियल था, ये क्या था बेटा हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक। चलो अब कोई सी भी इसमें से एक टर्म ले लो, कोई सी बेटा इसमें से क्या ले लो, टर्म ले लो। तो हमने ले ली बेटे कैसे 5s स्क्वायर को ले लिया, 5s स्क्वायर को हमने ले लिया, ठीक। हमने बोला आप लोगों से कि s क्या है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल s क्या है बेटा हमारा वेरिएबल है, ठीक। यानी कि पूरा s स्क्वायर को भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक। पावर के साथ पावर है तो बेटा पावर तो साथ में रहेगी ना उसके, तो वेरिएबल कितना हो गया बेटा हमारा s स्क्वायर हो गया। अब 5 हम लोगों को पता था बेटा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। अब इसका नया नाम सुन लो, इसका नया नाम सुनेंगे क्या हो रहा है बेटा, नया नाम कोफिशियंट, इसका नया नाम बेटा क्या हो गया, कोफिशियंट हो गया, COFFICIENT। अगली बात में अगर हमने आप लोगों से बोला कि 5 एस स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा 5 है। तो राइट कैसे करेंगे बेटा, 5 इज कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर, 5 इज कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर। चलो अब इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो हम बोलेंगे बेटा एस क्यूब का एस की पावर 3, यानी कि एस क्यूब का कोफिशियंट क्या है, तो बोलेंगे 6 इज
कोफिशियंट ऑफ एस क्यूब, इस वाले में देखो बेटा, तो टू इज कोफिशियंट ऑफ एस की पावर फाइव। अगली क्वेश्चन में इतना क्लियर हुआ। अरे हाँ या ना, अगर हो गया है तो देखो बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बेटा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल बेटा समझेंगे क्या होता है, ठीक। देखो कांस्टेंट मतलब होता है क्या, सबसे पहले ये समझो बेटा, कांस्टेंट मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक। अच्छा, अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर बेटा हमारे होते हैं दुनिया भर के जितने भी नंबर्स अभी तुम लोग पढ़ के आ रहे हो ना, सब क्या होते हैं बेटा हमारे रियल नंबर्स होते हैं। चलो एग्जांपल में देख लो, जैसे 2/3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया, ठीक, और 0/2 हो गया, 4 हो गया। आगे क्या समय, जितने भी नंबर्स होंगे बेटा सब हमारे क्या होंगे, सब हमारे बेटा क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। आई वासन में, यानी कि एक बात हम लोग और कर सकते हैं, एनी नंबर आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक, आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल। बट लेकिन क्या हो रहेगा बेटा, जीरो डज नॉट कांस्टेंट पॉलीनोमियल बेटा, जीरो बेटा हमारा पॉलीनोमियल कांस्टेंट पॉलीनोमियल नहीं होता है बेटा, पॉलीनोमियल तो होता है पर कांस्टेंट पॉलीनोमियल नहीं होता। जीरो हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो मैं समझाने वाला हूँ, क्यों नहीं होता है, ठीक। चलो इसे नोट कर लिया, अरे कर लिया हो करो, नहीं कर लिया हो तो फिर जल्दी पॉज करो वीडियो को, नोट करो, ठीक, मैं हटा देता हूँ इसे। एच चीज समझो, एनीथिंग यानी किसी भी चीज की अगर पावर जीरो दी गई तो आंसर हमारा क्या होता है, वन होता है। इतनी बात बेटा दिमाग में रट लो, गुदवा लो, शरीर में गुदवा लो, माथे पे लिखवा लो, बस भूलना मत। आई वासन में किसी भी नंबर की पावर यानी किसी भी चीज की पावर अगर जीरो दी जाए तो आंसर क्या होगा हमारा, वन होगा। जैसे कि हमने बोला 2/0 तो आंसर क्या होगा, वन होगा। 9/0 आंसर क्या होगा, वन होगा। 1/2 तो आंसर क्या होगा, वन होगा, ठीक। √3/0 तो आंसर क्या होगा, वन होगा। यानी कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी पावर जीरो है तो आंसर क्या होगा हमारा, वन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, अरे हाँ या ना। ऐसे बेटा नोट कर लेना साइड से बेटा नोट नहीं करना, दिमाग में छाप लेना, गुदवा लेना, शरीर में लिखवा लेना, कैसे भी याद कर लो, बस ऐसे याद कर लो, ठीक। चलो अब देखो पॉलीनोमियल क्या पढ़ रहा है बेटा हम लोग, पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल बेटा हमने डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, इसकी पावर बेटा क्या होती है, होल नंबर। क्या होती है बेटा, होल नंबर होती है ना, होल नंबर। हाँ या ना। तो देखो अब जैसे कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल का बेटा एग्जांपल क्या होता है, हमने बोल दिया जैसे कांस्टेंट पॉलीनोमियल का एग्जांपल है 5। क्या है बेटा, 5 उसका एग्जांपल है ना, 6 भी है, ठीक, 2 भी है, 3 है, 8 है, ठीक, क्या है, 8 है। कह दो सर अभी आपने लिखवाया था कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो कांस्टेंट तो हो गया हमारा 5, कांस्टेंट तो हमारा हो गया 5, पर वेरिएबल और होल नंबर कहाँ गया, वेरिएबल और डिग्री कहाँ गई। तो बेटा देखो वेरिएबल और डिग्री कहाँ गई, हमने यहाँ पे वेरिएबल को ले लिया s, ठीक, और इसकी पावर हमने क्या लगा दी, 0। 0 हमारा क्या बेटा, होल नंबर है ना, 0 हमारा होल नंबर है ना, है ना, 0 हमारा होल नंबर। तो s की पावर हमने क्या लगा दी बेटा, 0 लगा दी। और अभी मैंने आप लोग को सिखाया है किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो s की पावर 0 तो आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। मल्टीप्लाई करा दिया बेटा किससे, 5 से, तो हमारा आंसर निकल क्या गया बेटा, 5 निकल क्या गया। और 5 बेटा हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है। बात क्लियर हो गई, अरे हाई बासन में नहीं आई तो चलो एक बार और देखो, मैंने सिखाया था आप लोग को पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीनोमियल बेटा डेफिनेशन क्या होती है, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करा दो वेरिएबल, और वेरिएबल की बेटा पावर क्या होगी,
होल नंबर होगी। वेरिएबल की बेटा पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, सिक्स हो गया। वेरिएबल हमने लेट कर लिया, क्या बाई लेट कर लिया, और पावर क्या लगा दी हमने, जीरो लगा दी। और अभी यार मैंने सिखाया है किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होगी तो आंसर क्या होगा हमारा, वन होगा। तो सिक्स मल्टीप्लाई वन हो रहेगा, आंसर हमारा क्या रहेगा, सिक्स हो रहेगा। अगली बात समझ में, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो बेटा दो पॉलीनोमियल बेटा डेफिनेशन भी जो है वो बेटा वो क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो कहा है पॉलीनोमियल ने, जो कहा था बेटा पॉलीनोमियल में, पॉलीनोमियल ने कि बेटा तुम हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी, तो उसने शर्त भी मान ली है, उसका काम भी हो गया, यानी कि उसने अपनी बात भी रख ली। अगली बात समझ में, यानी कुछ चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ, पॉज करो, नोट करो, फिर समझा रहे हैं जीरो पॉलीनोमियल। ठीक, तो चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी, जीरो पॉलीनोमियल। बेटा इसका एग्जांपल सिर्फ वन ही है जब वो होता है जीरो, यानी बेटा सिर्फ इसका एग्जांपल है जीरो अकेला। ठीक, और कोई इसमें एग्जांपल नहीं होता है। चलो अब जीरो जीरो को बेटा जरा सेटिस्फाई करते हैं, किससे बेटा, पॉलीनोमियल से। पॉलीनोमियल भैया कहते हैं हमारे, पॉलीनोमियल भैया कहते हैं कि हमारी डेफिनेशन है जे पॉलीनोमियल इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, इसकी पावर क्या बेटा, रेशनल नंबर। इनका कहना यह है कि अगर आप इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बेटा वो क्या होगा हमारा, जीरो पॉलीनोमियल होगा। तो चलो बेटा सेटिस्फाई करा लेते हैं जीरो। ठीक, यानी जीरो मल्टीप्लाई एस की पावर हमने क्या करा दी, यहाँ पे एस की पावर हमने क्या करा दी, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर होनी चाहिए ना यहाँ पे हमारी, जी तो होनी चाहिए होल नंबर, हाँ या ना, होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर यानी कोई भी सकती है, 1 2 3 4 0, मतलब कोई भी ले लो। ठीक, चलो अगर जैसे हमने यहाँ पे ले ली इसकी होल नंबर की जगह पर हमने ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ऐसी पावर हमारी क्या होगी, 1 हो गई, और जीरो मल्टीप्लाई हो रहेगा एस, और क्या निकलेगा हमारा, जीरो निकलेगा। चलो हमने चलो थोड़ा अभी हमने यहाँ पे क्या ली थी, डिग्री हमने कितनी ले ली थी, 1 ले ली थी। पावर हमने यहाँ पे कितनी ले लेंगे, अब 2 ले लेते हैं। ठीक, तो कितना हो रहेगा हमारा, तब भी एस स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो आ जाएगा। यानी कि कोई भी होल नंबर हो, कोई भी पावर हो, आंसर हमारा क्या निकलने वाला है, जीरो निकलने वाला, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर का जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या रहता है बेटा, जीरो आ जाता है। तो जल्दी बेटा इसे पॉज करो और नोट करो। ठीक, चलो तो अब समझो, कंसिडर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंसिडर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि हमें बताने कि इनमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, जे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी हैं कि नहीं है। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसिडर पॉलीनोमियल, जो हमारे पॉलीनोमियल है कि नहीं है। ठीक, चलो देखेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका कहना जो होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कहना जो होता है कि कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करा दो किसका, वेरिएबल का, और वेरिएबल की पावर कितनी चाहिए बेटा, रेशनल नंबर होनी चाहिए। इतनी चीज़ याद है ना, इतनी चीज़ याद है बेटा, 5-6 बार लिखवा चुका हूँ, अब तो याद हो गया होगा ना। चलो सबसे पहले इस वाले एस को सेटिस्फाई करेंगे, इस वाले एस को सेटिस्फाई करेंगे। तो एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, एस लिखा हुआ है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें किसका, वन का। चलो तो एस में अगर हमने मल्टीप्लाई करा दिया किसका, एस में मल्टीप्लाई किसका करा दिया बेटा, हमने वन का करा दिया। ठीक, और इसकी डिग्री भी हमने क्या ले ली, वन ले ली। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वन क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टेंट हो रहा है। वन क्या हो गया हमारा, कॉन्स्टेंट हो गया। एस क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे जो वन हमने डिग्री ली है वो हमारी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई, रेशनल नंबर हो गई। आई वासन में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और मैंने बताया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग वन ले लेते हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग वन ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इसमें। चलो क्लियर हुआ ना, तो जी हमारा क्या हो गया, जी तो बेटा हमारा पॉलीनोमियल हो गया, सॉरी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखेंगे। अगर हम वन का मल्टीप्लाई करा दें एस में, और वन अपॉन टू सी क्या बेटा, डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। एस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। जे हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो जब भी बेटा हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिमांड होती है वो पूरी कर रहा है, तो जो हमारा क्या हो गया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, देखो बेटा इस वाले को, इस वाले में एस को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो एस के ऊपर क्या लगाया बेटा, अंडर रूट। एस के ऊपर अंडर रूट लगाया, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे एस की पावर 1/2, एस की पावर 1/2, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया।
और एफ क्या हो गया हमारा वेरिएबल, और वन अपॉइंट टू हमारा क्या है, वन अपॉइंट टू क्या हमारी डिग्री, और ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी किसी कॉन्स्टेंट में, यानी थ्री हमारा क्या है कॉन्स्टेंट ही, तो थ्री हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी कॉन्स्टेंट को एड कराएंगे, यानी कि किसी भी कॉन्स्टेंट को एड कराएंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को वो ऑपरेशन रेड करवाए थे। अगली वासन में हाँ है ना, चलो अब इस वाले को देखो, इस वाले एस को देखेंगे, लिखा हुआ है अंडर रूट क्यूब रूट, क्यूब रूट में क्यूब अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है बाई लिखा हुआ है, तो इस ऐड कर सकते हैं बेटा बाई की पावर वन अपॉन थ्री, बाई की पावर वन अपॉन थ्री, इसमें वन का मल्टीप्लाई करा लो, वन हमारा क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, बाई हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, वन अपॉन थ्री हमारा क्या होगा रेशनल नंबर हो गया, वन अपॉन थ्री हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, और जो हमारा क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब बाई स्क्वायर जो हो, बाई स्क्वायर को जरा ध्यान समझना, बाई स्क्वायर को जरा ध्यान समझना, तो बाई स्क्वायर लिखा हुआ है बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दो वन से, तो वन हमारा क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, बाई हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, टू हमारा क्या है रेशनल नंबर है, टू हमारा रेशनल नंबर है ना, अरे अपन बन करा दो अब तो हो गया रेशनल नंबर, और जब भी हमारा क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी कि जो तीनों एग्जाम्पल जो दिए गए थे वो किसके थे बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थे। अगली क्वेश्चन में चलो अब समझेंगे कंसीडर पॉलीनोमियल, जो हमारे पॉलीनोमियल हैं कि नहीं है। तो पॉलीनोमियल भाई साहब बोलते हैं कि हमारी डेफिनेशन है पॉलीनोमियल इक्वल टू कांस्टेंट में वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा दो, पावर हमारी क्या रहेगी होल नंबर, पावर हमारी क्या रहेगी होल नंबर। पॉलीनोमियल भाई साहब का कहना होता है कि कांस्टेंट में वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा दो, पावर हमारी क्या रहनी चाहिए होल नंबर रहनी चाहिए। ठीक, तो देखो इस वाले एस को देखो, सबसे पहले इस वाले एस को देखेंगे, तो देखो बेटा एस है ना, अगर हम इसमें वन का मल्टीप्लाई करा दें और पावर इसकी अगर हम क्या रख दें वन रख दें, ठीक, तो हो गया ना हमारा दो, जो हमारा क्या हो गया वन हमारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल और वन हमारा क्या है होल नंबर है। अरे होल नंबर याद है कि नहीं है, जीरो वन टू थ्री एंड सो वन। ठीक, अगले नंबर में तो ये तो हमारा क्या हो गया पॉलीनोमियल हो गया। ठीक, अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या लिखा हुआ है एस की पावर वन अपॉन टू, वन का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, तो वन तो हमारा क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, और एस क्या हो गया वेरिएबल हो गया, पर 1 अपॉन 2 हमारा क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और डिमांड किसकी है इसकी, डिमांड किस क्या करता है जे बेटा होल नंबर, तो यानी कि जे वाला हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। अगली क्वेश्चन में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, चलो इस वाले में देखो क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एस, अंडर रूट एस, अंडर रूट एस को बेटा क्या ऐड करते हैं हम लोग, एस की पावर 1 अपॉन 2, एस की पावर 1 अपॉन 2, 1 का मल्टीप्लाई करा दिया, 1 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, एस क्या हो गया हमारा वेरिएबल, 1 अपॉन 2 हमारा क्या है रेशनल नंबर है, और डिमांड किसकी होती है होल नंबर की होती है, डिमांड बेटा किसकी होती है होल नंबर की होती है, डिमांड किसकी होती है बेटा होल नंबर की होती है, तो बेटा ये हमारा पॉलीनोमियल होगा बिल्कुल, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब रही बात बेटा किसकी, थ्री की, तो थ्री बेटा हमारा क्या है पॉलीनोमियल है, थ्री हमारा क्या है पॉलीनोमियल है। क्यों पॉलीनोमियल है, क्योंकि देखो बेटा पॉलीनोमियल जिस वजह से है क्योंकि हमने थ्री में मल्टीप्लाई किसका करा दिया एस का करा दिया, एस की बेटा हमने पावर कितनी लगा दी जीरो लगा दी, एस की पावर बेटा हमने क्या लगा दी जीरो लगा दी, तो देखो बेटा ये क्या हो गया हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, बेटा हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, जीरो बेटा हमारा क्या है होल नंबर है, होल नंबर है। इतनी बात क्लियर हुई, और जब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो सॉल्व देखो बेटा क्या कराएंगे इसे, थ्री मल्टीप्लाई एस की पावर जीरो है, और जब भी हमने बेटा आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर होल, किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर क्या होता है वन होता है, तो थ्री मल्टीप्लाई बन यानी कि थ्री। अगली बात समझ में हाँ या ना, चलो लास्ट वाला देखेंगे इसमें देखो बाई और अंडर रूट लगा हुआ है, उसकी पावर बेटा कितनी है थ्री है, इस ऐड करेंगे बेटा बाई वन वन अपॉन थ्री, पावर कितनी होगी बेटा वन अपॉन थ्री हो रहेगी, वन का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो गया बेटा वन हमारा कांस्टेंट, बाई क्या हो गया वेरिएबल, वन अपॉन थ्री क्या हो जाएगा बेटा हमारा रेशनल नंबर, पर डिमांड किसकी होती है होल नंबर की, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। बाई स्क्वायर देखो बाई 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 स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, वन का मल्टीप्लाई करा दो, वन क्या हो गया वेरिएबल और सॉरी कांस्टेंट, और बाई क्या हो गया वेरिएबल हो गया टू, टू बेटा हमारा क्या है होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया पॉलीनोमियल हो जाएगा। ठीक, पर ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अगली क्वेश्चन में यानी कि आप पहचानना सीख गए हो, अरे आप तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, पहचानना सीख गए हो, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हमारी पॉली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पॉलीनोमियल बेटा हम किसके बेस्ड पे पढ़ेंगे, अब नंबर्स ऑफ टर्म के बेस्ड पे पढ़ेंगे, यानी टर्म्स हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, टर्म्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब उसी के बेस्ड पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा पॉलीनोमियल्स का बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे, पॉलीनोमियल्स का बेटा हम लोग क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमसे बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बच्चे पूछते हैं सब पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलीनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे, पॉलीनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो बेटा
पोली, पोली बेटा एक बर्ड है, एक बर्ड है यानी कि शब्द है बेटा। और कहाँ पे बेटा, दो जो ग्रीक, ग्रीक लेटर है बेटा, ये कैसा लेटर है बेटा, ग्रीक है। और नोमियल, नोमियल बेटा ये कैसा है, ये बेटा कैसा है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, आवासन में लैटिन शब्द है ठीक। ये कैसा है बेटा, पोली, पोली बेटा कैसा वर्ड है हमारा, ग्रीक है। और नोमियल बेटा कैसा है, लैटिन वर्ड है। और पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी यानी कि बहुत ढेर सारे ठीक। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, टर्म्स। और टर्म्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टर्म्स क्या होते हैं। अगली बार सर में इतनी बात थी, बस नोट करना हो नोट कर लो ठीक। चलो पहली हेडिंग बेटा, पहली हेडिंग देखेंगे बेटा मोनोमियल, क्या देखेंगे बेटा मोनोमियल, मोनो मोनो मियल, मोनोमियल बेटा। मोनोमियल बनता किससे बेटा, दो एक तो बनता है मोनो से, मोनो और मियल अलग अलग बेटा वर्ड है ठीक, इनसे मिलके बनता है मोनोमियल ठीक। आई वासन में हाँ या ना, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, बन होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, बन होता है। और मोनोमियल का बेटा मतलब क्या होता है, वन टर्म, वन टर्म पॉलीनोमियल। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वन टर्म पॉलीनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, जिस पॉलीनोमियल में एक टर्म हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलीनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल पॉलीनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे जैसे हमारा हो जाएगा फाइव हो गया ठीक, एस स्क्वायर हो गया, थ्री एस हो गया ठीक, थ्री हो गया, और देखो सिक्स एस क्यूब हो गया ठीक, सिक्स एस क्यूब हो गया। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो और देखो, जैसे कि देखो 5 प्लस 3 लिखा हुआ है बेटा, ये टू टर्म में नहीं होंगे बेटा, ये टू टर्म में नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, ये ऐड हो जाएंगे। और क्या आंसर आएगा बेटा, 8 आएगा ना, तो इसे बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे, यानी कि 5 प्लस 3 को भी बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं। आगे समझ में हाँ या ना, नहीं तो कहीं पे लिखा हो 6 प्लस 4 तुम लोग बोल दो सर ये टू टर्म है, 8 टर्म में जो हो गया, 2 टर्म में जो हो गए, नहीं एक ही टर्म में बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा। और किसका आंसर हो जाएगा बेटा, मोनोमियल का आंसर हो जाएगा ठीक। अब देखो बेटा बाइनोमियल किसे देखेंगे बेटा, बाइनोमियल समझेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल ठीक। बाइनोमियल बेटा टू वर्ड से मिलके बना है, पहला वर्ड है बाई ठीक, और दूसरा वर्ड है नोमियल। आई वसन में, अरे हाँ या ना ठीक। बाई का मतलब होता है टू, यानी कि बाइनोमियल का मतलब क्या हो रहेगा, टू टर्म है, टू टर्म है पॉलीनोमियल, टू टर्म है पॉलीनोमियल, यानी दो जिसमें, जिस पॉलीनोमियल में टू टर्म हो ठीक। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में हो जाएगा 5s प्लस के 3 हो गए ठीक। देखो एक टर्म में जीरो हो गया और एक टर्म में जीरो हो गया, ऐड तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, वेरिएबल लगा हुआ है। अगर यहाँ पे भी वेरिएबल होता तो बेटा ऐड हो जाते, और बेटा डिवाइड कौन कर रहा है बेटा, अलग अलग कौन कर, किसने कर दिया बेटा, एस ने कर दिया, जैसे कि लिखा हुआ है एस स्क्वायर प्लस के एस, एस स्क्वायर प्लस के बेटा, दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं बेटा, दो डिग्री अलग अलग हैं, डिग्री बेटा क्या है, अलग अलग हैं। जैसे कि और देखो बेटा, सिक्स प्लस के एस हो गए ठीक, सिक्स प्लस के एस हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 5s क्यूब प्लस के 3s स्क्वायर हो गए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब देखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बेटा टू वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन से, ट्राई और दूसरा कौन सा है, नोमियल। ट्राई का मतलब होता है बेटा क्या, थ्री, और इसके क्या मतलब रहेगा, थ्री टर्म पॉलीनोमियल, यानी जिसमें क्या हो बेटा, जिस पॉलीनोमियल बेटा क्या हो, थ्री टर्म हो। आखिरी वासन में, जिस पॉलीनोमियल बेटा क्या हो, थ्री टर्म हो, थ्री टर्म होगा, चल क्यों नहीं रहा भाई मेरे, थ्री टर्म ठीक। चलो एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे कि लिखा हुआ है s प्लस एस स्क्वायर प्लस के 5 ठीक, दूसरा देखो s प्लस 3 प्लस एस स्क्वायर हो गया ठीक, थर्ड देखो s प्लस एस स्क्वायर प्लस के s क्यूब हो गए ठीक। जैसे बेटा किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। एक चीज़ जरा ध्यान समझना कि अगर जैसे लिखा है कि s प्लस एस स्क्वायर प्लस के 0, तो बेटा जो हमारा क्या होगा,
बाइनोमियल होगा, क्या होगा बेटा, जो हमारा बाइनोमियल होगा, क्योंकि बेटा जो जीरो है ना, जीरो है ना, वो बेटा इन्हीं में ऐड हो जाएगा, इन्हीं किसी में बेटा एक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो टू लिखा है और टू में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, टू ही तो आएगा ना, यानी जीरो का बेटा यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना ही बेटा इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आगे ना में जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कितना बचेगा, जी तो बचेगा बेटा एस प्लस एस स्क्वायर, जी बचेगा ना, और वन टर्म जो होगा टू टर्म जो होगा, यानी कि एक टर्म जे एक टर्म जे, दो टर्म हो गई, और दो टर्म बेटा हमारी क्या होती है, बाइनोमियल होती है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अगर हो गया है तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो, ये बेटा हमारा क्या है, बाइनोमियल है। एक चीज और, एक चीज और साइड से लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। चलो जो जीरो होता है ना, जीरो जीरो, अरे जीरो को जानते हो ना, अच्छे से जानते हो, ठीक। जीरो विल नॉट बी काउंट काउंटेड एज अ टर्म, टर्म की जगह पर उसे काउंट नहीं करते, यानी टर्म के रूप में उसे काउंट नहीं करेंगे। अगली नवासन में जैसे कि हमने यहाँ पे से टर्म के रूप में काउंट नहीं किया, दो ए टर्म जो हो गई, दो टर्म जो हो गई, अब ये मत बोलना सर थ्री टर्म जो हो रहेगी, नहीं होगी बेटा, सिर्फ बस वन टर्म जो होगी, टू टर्म जो होगी बेटा, ये कोई टर्म नहीं होगी, क्योंकि बेटा जीरो इन्हीं कहीं में ऐड हो जाएगा और बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। अगली नवासन में हाँ या ना, चलो पॉज करो वीडियो को नोट करो। चलो बेटा, तो हमारी नेक्स्ट स्टडी है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि हम पॉलिनोमियल्स का बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पे बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती क्या है पहले वो समझ लो थोड़ा सा, ठीक। तो छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आगे वाचन में यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर ये हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है थ्री एस स्क्वायर प्लस के फोर एस प्लस के टू, ठीक, थ्री एस स्क्वायर प्लस के फोर एस प्लस टू, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो थ्री एस की पावर फाइव प्लस के फोर एस स्क्वायर, चलो और देख लेते हैं फोर एस क्यूब प्लस के टू एस, ठीक, फिर लिखा हुआ है थ्री एस प्लस के फाइव। अगली बार समय चार एग्जाम्पल है, चारों जरा समझेंगे बार एक एक करके, ठीक। चलो वेरिएबल, दो चीज़ें पता करनी है, एक तो वेरिएबल, दूसरी क्या है बेटा डिग्री, उसकी डिग्री क्या है। सबसे पहले बेटा वेरिएबल पहचानो, वेरिएबल बेटा इसमें कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, दो एस और एस, यानी कि एस वेरिएबल हो गया बेटा, दो दो बार एस आया ना, दो बार आया फिर एक बार आया, दस बार आया, बीस बार आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल हमें पता होना चाहिए क्या है बेटा, वो हमारा एस है। और वेरिएबल होते क्या है बेटा, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सब बेटा चले जाते हैं हमारे वेरिएबल में चले जाते हैं। तो हमारे वेरिएबल के बेटा क्या है, एस है। अब दो दो जगह एस है, एक एस जे है एक एस जे है, हाईएस्ट पावर बेटा दोनों की पहचानो कौन सी है, इसमें बेटा टू है पावर, इसमें कितनी है बेटा वन है। जब कोई पावर नहीं शो कराती है तो बेटा हम लोग क्या मान लेते हैं, वन लेट कर लेते हैं, वन ही होती है पर वन को दिखाते नहीं है, ठीक। तो कितनी हो गई बेटा, वन हो गई। अब देखो वन बड़ा होता है बेटा टू बड़ा होता है, टू बड़ा होता है जाहिर सी बात है, तो हाईएस्ट बेटा पावर कितनी होगी बेटा, टू हो रही, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई बेटा, टू हो गई। अब इसमें देखो वेरिएबल बेटा कौन सा हमारा, एस है, और डिग्री बेटा कौन सी है बेटा इसमें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बेटा डिग्री कौन सी है बेटा, फाइव है, यहाँ पे दो है यहाँ पे फाइव है, ठीक। वेरिएबल दो बेटा एस हो गया, डिग्री क्या हो गई बेटा हमारी, टू हो गई। वेरिएबल दो बेटा क्या हो गया, एस हो गया। अब डिग्री दो बेटा क्या हो जाएगी हमारी, तो डिग्री शो तो कर नहीं रही है, जब शो नहीं कर रही है तो बेटा बन हो जाएगा, क्लियर बात है ना, बन हो गई। आई वासन में अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्लियर हुआ बेटा इतना, इतना क्लियर हुआ। चलो अब इस चीज़ और देखो बेटा, जैसे कि अगर बात करें कांस्टेंट पॉलीनोमियल की, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बेटा अगर डिग्री की बात करें, अगर कहा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, इसकी क्या बताओ बेटा, डिग्री बताओ कितनी होगी, तो इसका बेटा एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, इसका जैसे बेटा हमने एग्जाम्पल ले लिया फाइव ले लिया, जैसे चलो लेट हम कर लेते हैं फाइव। अब बेटा फाइव की हमें डिग्री बतानी है, फाइव की डिग्री चाहिए तो बेटा जरा फाइव को जरा एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो फाइव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा, और क्या रहेगी बेटा इसकी पावर, इसकी पावर बेटा क्या रहेगी हमारी, कोई सा भी होल नंबर। अब होल नंबर बेटा इसमें कौन सा होता है, हमेशा जीरो होता है, होल नंबर बेटा हमारा कौन सा होता है, हमेशा जीरो होता है। तो फाइव फाइव मल्टीप्लाई एस की पावर कितनी हो बेटा, जीरो हो गई, ठीक।
ठीक। अब दो बेटा वेरिएबल क्या हो गया बेटा हमारा एस हो गया, और डिग्री क्या हो गई बेटा हमारी जीरो डिग्री हो गई। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री ऑलवेज ऑलवेज इसकी डिग्री बेटा हमारी क्या होती है जीरो। अब वेवसन में हाँ या ना, रट लो बेटा रट लो, गुदवा लो शरीर पे, माथे पे लिखवा लो, माथे पे लिखवा लो बेटा, पर रट लो कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की बेटा डिग्री हमेशा कितनी होती है जीरो, ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो रहती है। कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहती है बेटा जीरो रहती है। चलो अब बात करेंगे जीरो पॉलीनोमियल की, जीरो पॉलीनोमियल। अब जीरो पॉलीनोमियल बेटा जीरो पॉलीनोमियल ही रहता है, यानी कि जीरो रहता है इसका बेटा सिर्फ एक एग्जांपल बेटा, वो क्या होता है जीरो होता है ठीक। अब जरा जीरो को जरा एक्सपेंड कर दो, जीरो को जरा एक्सपेंड करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई एस, अब एस का बेटा क्या आएगा होल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर बेटा पता है कि क्या होते हैं हमारे जो कि जीरो से लेके स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू और कहां से जाते हैं बेटा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगली बात में तो बैरियर बेटा हमारा कौन है यहाँ पे ऐसे डिग्री, अब डिग्री की बात करेंगे बेटा तो डिग्री दो हो बेटा हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि बेटा हमें पता नहीं है ना कि इसकी डिग्री बेटा यानी कि होल नंबर की जगह बेटा क्या रखा गया होगा, जीरो रखा गया कि वन रखा गया कि टू रखा गया कि हंड्रेड रख गया कि टू हंड्रेड रख गया, क्योंकि हमने बताया है, क्योंकि हमने बताया है कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें आंसर क्या आता है बेटा जीरो आता है। तो बेटा जी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, या फिर दो हम लोग दो आंसर ऐड कर सकते हैं इसमें, दो वेरिएबल तो बेटा वेरिएबल बेटा हमारा क्या हो गया एस हो गया, और डिग्री की अगर बात करेंगे तो नॉन डिफाइंड राइट कर दो नॉट डिफाइंड, या फिर हम राइट कर सकते हैं बेटा क्या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी राइट कर सकते हैं अगली नवासन में, तो नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट राइट कर देंगे अगली क्वेश्चन में। हाँ है ना, चलो अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे जो हमारा क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो बेटा तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन बेटा, लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है बस, इसके बाद बंद करेंगे बस, सफिशियंट इतना इतना पढ़ा दिया बहुत है, अब फिर इसका क्या करेंगे हम एसएच को सॉल्व करेंगे ठीक। लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ है बेटा राइट है कि पॉलीनोमियल इन एस, यानी कि किसी भी पॉलीनोमियल में अगर एस है और उसकी डिग्री बेटा क्या है वन है, यानी कि पॉलीनोमियल इन एस बेसिस डिग्री वन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे लीनियर, लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। आगे वासन में एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे लिखा हुआ है थ्री एस की पावर वन, थ्री एस की पावर वन बेटा जो पॉलीनोमियल है ना, पॉलीनोमियल है क्यों है, तो देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा पॉलीनोमियल की, पॉलीनोमियल की बेटा डेफिनेशन क्या होती है भाई साहब, क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और होल नंबर, पावर बेटा कितनी होल नंबर, तो कॉन्स्टेंट हो गया वेरिएबल हो गया बेटा, पावर क्या हो गया बेटा होल नंबर हो गई ठीक। और डिग्री बेटा दो, डिग्री बेटा कितनी होनी चाहिए बेटा वन होनी चाहिए, डिग्री बेटा क्या है वन है। चलो एक एग्जाम्पल तो हो गया, दूसरा दो थ्री एस प्लस वन, थ्री एस प्लस वन बेटा यहाँ पे भी दो एस की बेटा डिग्री कितनी मानेंगे हम वन मानेंगे अगली बार में, हाँ या ना, अरे क्लियर हुआ। चलो दूसरा पॉइंट दो पॉलीनोमियल इन एस बेटा डिग्री टू, किसी भी पॉलीनोमियल में अगर एस है, यानी कि किसी पॉलीनोमियल में बेटा अगर एस है और उसकी डिग्री बेटा कितनी दी गई है टू दी गई है, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अगली क्वेश्चन में हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि हो गया एस स्क्वायर, क्या हो गया बेटा एस स्क्वायर हो गया, और देखो बेटा एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के टू हो गए, हाँ या ना, क्लियर हुआ। चलो अब देखो पॉलीनोमियल इन एस बेटा डिग्री थ्री, यानी किसी भी पॉलीनोमियल में अगर एस है और उसकी डिग्री थ्री है, तो उसे बोलते बेटा क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। अगले क्वेश्चन में अरे हाँ या ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो दो बेटा एस क्यूब, एस क्यूब और एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस के एस हो गया, यानी कि हाईएस्ट बेटा पावर कितनी है थ्री है ना। चलो और देखो एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर हो गया, ठीक से एस क्यूब हो गया और एस अकेला हो गया ठीक बेटा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल के हैं। तो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ठीक, पॉज करो वीडियो एंड नोट करो बेटा, और हम लोग मिलते हैं इसके एक्सरसाइज 2.1 में बेटा, हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में ठीक।